देख रहे हैं SPNI न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत केरल से। जी हां, केरल चुनाव के नतीजों का इंतजार है कांग्रेस को, बीजेपी को और लेफ्ट पार्टी को। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां पर नतीजों से पहले जो जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कहीं ऐसा ना हो कि ये जश्न इस पर पानी फिर जाए और केरल में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आ जाए। हालांकि मैं बात करूं तो केरल में फिलहाल तो कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि केरल में राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार किया और जिस तरह से ना सिर्फ वहां के वोटर्स को वो साधने में कामयाब हुए, बल्कि केरल के जो बच्चे हैं उनके साथ जो मुलाकात उन्होंने की, और जिस तरह से केरल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल केरल के जो नतीजे आने से पहले जो खबरें ये देखिए सामने आ रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर साबित हो सकती है, लेकिन बीजेपी ने अभी से उत्सव मनाना शुरू कर दिया। और अगर बात की जाए चुनाव नतीजों का इंतजार से पहले पलक्कड़ में ऑफिस खोलने में जुटे हैं मेट्रो मैन ई श्रीधरन। इतना आत्मविश्वास और इतना कॉन्फिडेंस तो शायद ही किसी और राजनीतिक पार्टी के नेता को हुआ होगा। यानी कि नतीजे आने से पहले ही ई श्रीधरन ने ऑफिस भी खोल लिया और उन्हें पूरी उम्मीद है कि क्या उन्हें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी की जीत वहां पर जरूर होगी। अब आप ये भी समझिए कि कहीं ये उत्तेजना बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए और बीजेपी की जगहंसाई ना शुरू हो जाए। चलिए आपको उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि किस तरह से देखिए जो स्थिति है फिलहाल वो बीजेपी अभी चुनाव जीती भी नहीं है, नतीजे सामने भी नहीं आए और उत्सव मनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए आपको सबसे पहले चलना पड़ेगा कर्नाटक की तरफ। जी हाँ, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक की या अब तस्वीरें आपको अगर याद हो तो शायद आप अगर राजनीति की जानकारी रखते हैं तो आपको तस्वीरें याद भी होंगी और खबर भी शायद आपको पता होगी। कर्नाटक में देखिए दरअसल क्या हुआ था, कर्नाटक में हुआ ये था कि बीजेपी ने आनन फानन में मुख्यमंत्री बना दिया था। जी हाँ, मुख्यमंत्री बनाया भी तो किससे था, अगर बात की जाए जो येदियुरप्पा है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें और बाकायदा फूलों से स्वागत किया गया, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो अपनी जो पूरी मेजोरिटी है उसको ही साबित नहीं कर पाए, तो ऐसे में सारा प्लान धरा का धरा रह गया और कर्नाटक में बीजेपी की जगह हसाई हुई। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से महाराष्ट्र में भी देखिए सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, जिस तरह से बाकायदा शरद पवार से मुलाकात की गई थी और उसके बाद तो शरद पवार ने जो टर्निंग पॉइंट लिया उससे बीजेपी भी हैरान हो गई। तो ये स्थितियां मैंने उदाहरण के तौर पर इसलिए बताई कि बीजेपी जो खुशियां मनाने का उसने पहले से जो प्लान वो बनाती है उस पर पूरी तरह से पानी फिर जाता। और मेट्रो मैन ई श्रीधरन का इतना आत्मविश्वास देखकर तो पता चल ही रहा है कि वो कितनी अपनी जीत को लेकर और बीजेपी की जीत को लेकर उत्साहित है, लेकिन इतना भी आत्मविश्वास अच्छा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इनके आत्मविश्वास पर पानी फिर जाए और जो ऑफिस जो है ये शुरू किया है इन्होंने जो बनाया है उसे बंद करना पड़ जाए। क्योंकि फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो केरल चुनाव में कांग्रेस की सरकार आने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है और जो नतीजों आने से पहले जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि किस तरह से कांग्रेस के लिए केरल और असम दोनों जो जगह के चुनाव हैं वो बहुत अच्छे साबित होते हुए नजर आ रही। देखिए मैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ यहाँ पर दिखा रहा हूँ पिक्चर्स आपको, और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको बाकायदा कुछ पिक्चर्स दिखाई भी दे रही होंगी जिसमें ई श्रीधरन जो है वो एक कार्यालय है उसका उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं। इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं वो बीजेपी के ही लोग बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है उत्साह बहुत देखने को मिल रहा है ई श्रीधरन के चेहरे पर। और सबसे बड़ी बात है कि पलक्कड़ से बीजेपी उम्मीदवार ई श्रीधरन ने अपनी जीत को लेकर इत्मीनान कर दिया है। उन्होंने कहा पलक्कड़ में अपना दफ्तर खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और बीजेपी चुनाव केरल में जीतेगी। मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने पलक्कड़ शहर में किराए पर मकान ले लिया है, यहाँ पर वे अपना ऑफिस खोलने जा रहे हैं। मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने कहा कि वे पलक्कड़ शहर में लोगों की सेवा के लिए मौजूद रहेंगे। खैर ये तो जनता जानती है कि बीजेपी ने अभी तक कितनी
सेवा जनता की है और कितना परेशान जनता को किया है। पलक्कड़ विधानसभा सीट समेत पूरे केरल में 6 अप्रैल को देखिए वोट डाले गए थे और नतीजे 2 मई को आएंगे। मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने कहा, मैं चुनाव नतीजों को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ, इसीलिए चुनाव के नतीजे आने से पहले ही मैंने अपने कार्यालय खोलने का फैसला कर लिया। चलिए ये भी देख लेते हैं कि आखिरकार इनका जो आत्मविश्वास है, ई श्रीधरन का आत्मविश्वास, वो कितना आत्मविश्वास इनके लिए बेहतर साबित होगा। और देखिए, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत गलत बात है, इससे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ई श्रीधरन ने नतीजे आने से पहले जो बात कही है और जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस उनका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो भारी पड़े और बीजेपी को केरल चुनाव में हार का सामना करना पड़े। हालांकि अगर मैं बात करूं तो केरल में कांग्रेस को हराना इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए, और लेफ्ट की सरकार की मैं बात कर लेता हूँ तो फिलहाल लेफ्ट के आने की भी उम्मीद थोड़ी सी नजर आ रही है। लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की मेहनत केरल में दिखती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से वहां के लोगों के दिलों में जगह बनाई है, जिस तरह से ना सिर्फ वो जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़े, बल्कि देखिए वहां के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर भी उन्होंने काम किया। बहुत मैंने कुछ खबरें भी की थी जिसमें हमने बताया था कि बकायदा राहुल गांधी ने एक बच्चे से जब सवाल पूछा था कि वो क्या बनना चाहता, तो उसने बताया था वो पायलट बनना चाहता है, और राहुल गांधी ने उस बच्चे के पायलट बनने से पहले उसका सपना पूरा कर दिया। बकायदा अपने प्राइवेट विमान भी ले गए, उसे अपने जो विमान का कॉकपिट होता है उसका पूरा नजारा दिखाया और दिखाया किस तरह की मशीनें होती हैं और किस तरह से विमान उड़ाया जाता। तो इससे कहते हैं बच्चों के भविष्य को लेकर काम करना। और ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार केरल में आती है तो सबसे ज्यादा फोकस वहां के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर सरकार केरल में, कांग्रेस की सरकार तो जरूर काम करती नजर आएगी। और आपको बता दूं, कुछ समय पहले भी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें देखने को मिला था राहुल गांधी ने बकायदा बच्चों के साथ एक लंच पार्टी भी की थी। तो राहुल गांधी का जुड़ाव ना सिर्फ वोटर्स के साथ है बल्कि बच्चों के साथ है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कुछ जगहों पर और रैलियां भी की थी जिसमें देखने को मिला था कि राहुल गांधी कुछ वुमेन्स कॉलेज में गए थे और वहां पर बकायदा वहां की जो वुमेन्स हैं, वहां की जो गर्ल्स हैं, उनको मार्शल आर्ट उनको सिखाया था। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया था किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तो इससे कहते हैं एक राजनीतिक पार्टी की नेता, और इससे कहते हैं कि वो राजनीतिक पार्टी जो स्थानीय मुद्दों पर काम कर रही है। और साफ तौर पर देखा जाए तो फिलहाल कांग्रेस जिस तरह के मुद्दों को पकड़ कर चल रही है, इसका फायदा कांग्रेस को आने वाले समय में भी मिलेगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।